के समय जंगल में पहुंची। जब जंगल में पहुंची तो महाराज मैया जो थी वो जंगल में नदी के किनारे जैसे पहुंची तो नदी में कूदने ही वाली थी। जब नदी में कूदने वाली थी तब तक क्या हुआ कि बाबा देवऋषि नारद आ गए। जब नारद जी सुनीति के पास में आए देखा रात के समय एक स्त्री यहाँ मरने के लिए आई है तो उसी समय महाराज नारद जी पहुंच गए सुनीति के पास में। नारद जी ने पहुंच करके जवाब दिया है बेटी कौन हो तुम और रात के समय जंगल में तुम क्या कर रही हो क्या बात है। सुनीति ने रो करके जवाब दिया बाबा जी हम इस जंगल में मरने के लिए आए हैं। नारद जी बोले मरने के लिए आई हो क्यों मरने के लिए आई हो। सुनीति ने जवाब दिया बाबा जी हम मरने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे पास में ना मेरी संतान है ना मेरा पति है ना घर परिवार है कुछ भी मेरे पास में नहीं है इसीलिए मैं जी करके क्या करूंगी तो मैं मरने के लिए आई हूँ मैं मरना चाहती हूँ। तो नारद जी बोले देखो सुनीति तुम यहाँ मरो नहीं। बोली क्यों तो नारद जी बोले देखो संतान देना या ना देना ये तो सब भगवान के हाथ में है क्योंकि भगवान जिसे चाहेंगे उसे पृथ्वी पर भेजेंगे और भगवान जिसे चाहेंगे अपने पास में पलवर में बुला लेंगे। इसीलिए सुनीति बोली देखो बाबा जी तुम्हारी कहवे से हम लौटे नहीं क्योंकि हमारा जीवन बेकार है। लोग मुझे सम्मान नहीं देते मुझे मान सम्मान नहीं देते लोग लोग से बांझ कहते हैं मुझे देख करके लोग अपनी संतानें छिपा लेते हैं मैं तो मरूंगी मानूंगी नहीं। जो तुम्हें बचने चाहिए तो नारद जी कहने लगे कि हमें लगता है तुम मानोगे नहीं। सुनीति बोली नहीं मानेंगे और नारद जी बोले अच्छा ऐसा करो अगर तुम्हारे संतान हो जाए तो लौट जाओगे। सुनीति बोली संतान कैसे हो क्योंकि पति मेरे पास में नहीं है घर परिवार मेरे पास में नहीं है पति हमसे दूर रहता है तो संतान कहां से होगी। बाबा जी तुम यहां से लौट जाओ तो मर के ही रहेंगे। नारद जी बोले देखो सुनीति तुम मरो नहीं चाहो हम तुम्हें वरदान देते हैं तुम कह रहे हो कि हम लौट जाए हमारे 9 महीने बाद संतान हो जाएगी और संतान ना हुई तो। नारद जी बोले तुम्हें नहीं पता है सुनो मेरी बात जवाब दिया नारद जी ने मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका संत वचन पत्थर की लीका। सुनीति तुम
तुम्हें नहीं पता है संत का जो वचन होता है वो पत्थर के समान होता है, पत्थर की लीक के समान, जो कोई मिटा नहीं सकता है। मेरी बात मानो, यहाँ से लौट जाओ, तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे घर से एक संतान जन्म ले लेगी। लौट जाओ।